आम आदमी पार्टी हैज अलेज्ड दैट पेट्रोलियम मिनिस्टर वीरप्पा मोइली इज ट्राइंग टू अनड्यूली फेवर अ कंपनी बाय अलॉटिंग इट एन अनफिनिश्ड ऑयल फील्ड. पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रशांत भूषण इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड दैट मोइली इज पुशिंग अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ अलॉटिंग आर सीरीज एंड रत्ना ऑयल फील्ड टू रुइया's owned SR ग्रुप. द बिडिंग वॉज डन इन 1993 एंड SR ग्रुप वॉज अवॉर्डेड द ऑयल फील्ड. दो नो कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड इवन देन मोइली इज पुशिंग फॉर एलोकेशन टू रुइया's क्लेम्स द पार्टी. दिस कम्स एट अ टाइम वेन कांग्रेस इज अंडर क्रिटिसिज्म फॉर ओवर चार्जेस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म. जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता रत्ना ऑयल फील्ड्स के केस में, उस समय गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि रत्ना ऑयल फील्ड्स SR कंपनी को दे दी जाए, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया था. अब सवाल ये उठ रहा है 2014 में कि क्या उस आधार पर 93 में जो गवर्नमेंट का फैसला हुआ था उसके आधार पर आज 21 साल बाद, जबकि तेल के दाम 20 गुने हो चुके हैं रुपी टर्म्स में, क्या उसी टर्म्स पर 93 के टर्म्स पर उस कंपनी को बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर ये एसेट जिसकी आज वैल्यू वो कहते हैं कि 9.2 बिलियन है, यानी कि 52,000 करोड़ का एसेट उनको बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर आज दे दिया जाए. लेकिन वीरप्पा मोइली साहब ने बार 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 लगातार दबाव डाला अफसरों के ऊपर कि नहीं नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड है, ये तो इनको देना ही है. यानी कि 93 का फैसला को वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड है, अब इनको ये दे देना चाहिए.